आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में सभी मंत्रियों, सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पहल की थी, अकेला ने मध्य प्रदेश राज्य के ने लोक सेवा संबंधी प्रबंधन विभाग बनाया और शून्य से हम लोगों ने शिखर को छू लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिसमें 15,42,550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिसको लेकर हम क्रियान्वित कर रहे हैं। G20 की बैठकें सफलतापूर्वक हमने संपन्न की, जनजातीय गौरव दिवस हमने सोचा और अद्भुत कर दिखाया, कोरोना के प्रबंधन की व्यवस्था, कोविड टीकाकरण के लिए मैं बधाई दूंगा। अकेला मध्य प्रदेश है जहां तय किया गया था कि जब मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कोई आएगा तो वहां हम बस चलाएंगे, पैदल नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे प्रदेश की सीमा तक पैदल आते थे और हमारी देश की सीमा, प्रदेश की सीमा से पैदल जाते थे। कोविड से प्रभावित लोग आ रहे थे और हम बसों में बैठाकर सुरक्षित दूसरे स्थान पर छोड़कर आ रहे थे। रास्ते में चाय, नाश्ता, भोजन और पाँव में जूते चप्पल तक पहनाने का काम भी हुआ है। इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हो सका। पीड़ित मानवता की सेवा का अपने आप में एक अद्भुत और अनूठा उदाहरण था। भारत सरकार ने पहल की थी, अकेला मध्य प्रदेश राज्य ने लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग बनाया और शून्य से हमने लगभग शिखर छू लिया। लगातार हर कैबिनेट में हम पर संपत्तियों का प्रबंधन करते चले गए। अद्भुत और अनूठा था, इंदौर कभी भूल नहीं पाए। मेरा हमने लिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और जिनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं, लगातार क्रियान्वित होते चले जा रहे हैं। पंडी की बैच में बहुत सफलतापूर्वक हमने संपन्न की, जनजाति गौरव दिवस हमने सोचा और अद्भुत कर डाला, कोरोना के प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था, कोविड के टीकाकरण के लिए मैं बताया मिला कितने स्मूथ था। मुझे गर्व है कि अकेला मध्य प्रदेश जिसने तय किया कि बॉर्डर पे, जहां मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे आएंगे वहां बस लगाएंगे, पैदल नहीं जाने देंगे। वहां पैदल आ गए थे महाराष्ट्र की सीमा से और हमारे प्रदेश की सीमा के बाद पैदल जाते थे, लेकिन अकेला मध्य प्रदेश था जिसने बसें लगाई, मजदूर बैठाए। आप उन पुलिस वालों को देखो, बाकी अफसरों को देखो, कोविड से प्रभावित लोग आ रहे हैं और हम बसों में बिठा रहे हैं और बसों में बिठा के सुरक्षित दूसरी जगह छोड़ के आ रहे हैं। रास्ते में चाय, नाश्ता, भोजन, पाँव में जूते चप्पल पहनाने का काम हुआ, कभी इतना प्रचार इसका नहीं हुआ, लेकिन वो पीड़ित मानवता की सेवा का एक अपने आप में अद्भुत और अनूठा उदाहरण था।